हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आशु फार्मेसी पर। आज हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल जुरिस्प्रूडेंस डी फार्मा सेकंड ईयर का एमसीक्यू। तो फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डीसी कमेटी इस्टेब्लिशिंग, तो फ्रेंड्स इसका डीसी का पूरा नाम है ड्रग इंक्वायरी कमेटी। ठीक है, ड्रग इंक्वायरी कमेटी ये जो इस्टेब्लिश हुई थी, पूछ रहा है किस सन में हुआ था। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि डीसी का पूरा नाम क्या है। तो ड्रग इंक्वायरी कमेटी ये जो इस्टेब्लिश हुआ था, ये 1927 में, ठीक है, 1927 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये ए वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर। बी है दूसरा है हमारा, ड्रग एक्ट कम इन फोर्स, मतलब ड्रग एक्ट कब आया था। ठीक है, ड्रग एक्ट जो है वो कब आया था। तो ड्रग एक्ट जो आया था, देखिए इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है 1940। 10 अप्रैल 1940 को हमारा ड्रग एक्ट मतलब वर्क में आया था। ठीक है, डेंजरस एक्ट कम इन, मतलब डेंजरस एक्ट कब लागू हुआ था। डेंजरस एक्ट जो है 1930 में लागू हुआ था। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक, डेंजरस एक्ट जो है 1930 में लागू हुआ था। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे फ्रेंड्स। डीपीसीओ एक्ट रिलीज इन, डीपीसीओ देखिए इसमें दो क्वेश्चन छुपा हुआ है, डीपीसीओ का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, कई बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसका जो डीपीसीओ का पूरा नाम है, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर एक्ट रिलीज इन, जो ड्रग प्राइस कंट्रोल रिलीज हुआ था ये 1970 में रिलीज हुआ था। ठीक है, 1970 में, तो करेक्ट आंसर जो होगा 1970, बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ड्रग अब इसका ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, इसका ऑब्जेक्टिव ये था ड्रग प्राइस कंट्रोल, जैसे प्राइस जो है एक लिमिटेशन तय किया गया कि प्राइस कोई ऐसे कोई आलतू फालतू प्राइस नहीं तय कर सकता है डोज का, वो जो है पीसीआई डिसाइड करेगी। ठीक है, आप ऐसे प्राइस ड्रग का नहीं रख सकते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है, फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इंश्योर, फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन क्या इंश्योर करता है। क्वालिटी, एफिकेसी, इवोल्यूशन ऑफ द ड्रग एंड डी दिया है आल। तो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन जो होता है, एक प्रकार से क्वालिटी को इंश्योर करता है, एफिकेसी इंश्योर करता है, इवोल्यूशन करता है ड्रग की, क्या उसमें दिक्कत है क्या कमी है, पायरोजन टेस्टिंग वगैरह जो सारी टेस्टिंगें वगैरह होती हैं, ये सब फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो जब फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन जो लागू नहीं हुआ था इंडिया में, तो कई प्रकार के जो है चल रहे थे, ऐसे ही लोग कई चीज़ें जो है धांधलेबाजी कर ले रहे थे, तो उसमें जो है मिलावट वगैरह अडल्ट्रेशन वगैरह बहुत होता था, तो इसके लिए फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन लाना पड़ा। ठीक है, तो लेजिस्लेशन के अंतर्गत जो है क्वालिटी, एफिकेसी, एवोल्यूशन ऑफ द ड्रग ये सब किए जाते हैं। तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, आल। छठा क्वेश्चन है पीसीआई इस्टेब्लिशिंग, पीसीआई कब इस्टेब्लिश हुआ था। अब पीसीआई का पूरा नाम है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, पीसीआई जो है 1949 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, 1949 में। स्टेट फार्मेसी काउंसिल फंक्शन, स्टेट फार्मेसी काउंसिल क्या क्या काम करता है। एंट्री ऑफ नेम इन रजिस्टर, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम रजिस्टर। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी वाला ऑप्शन, आल। तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो है नेम को एंट्री करता है। आप मान लीजिए डी फार्मा बी फार्मा आप कंप्लीट कर लिए, उसके बाद आप ट्रेनिंग लेटर लेकर के आप जाएंगे पीसीआई में, उसके बाद वो नाम को रजिस्टर में एंट्री करेंगे। ठीक है, उसके बाद रजिस्टर का मेंटेनेंस करना, और अगर आप कोई धांधलेबाजी करते हुए पकड़े गए तो आपका नाम जो है रजिस्टर से रिमूव करना, ये स्टेट फार्मेसी काउंसिल सब सारा काम स्टेट फार्मेसी काउंसिल करता है। ठीक है, शेड्यूल M3 मीन्स, शेड्यूल M3 जो होता है इसका क्या मतलब होता है। तो शेड्यूल M के अंदर तीन कैटेगरी बनाई गई, सब कैटेगरी M1, M2 एंड M3। ठीक है, तो M3 का जो मतलब होता है रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री परमिसेस फॉर द मैनुफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइस। ठीक है, मेडिकल डिवाइस जो है उसको बनाने के लिए जो है एक स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट जो होता है वो तय किया जाता है शेड्यूल M3 के अंदर। ठीक है, और शेड्यूल M2 के अंदर जो है वो कॉस्मेटिक के लिए रिक्वायरमेंट जो होती है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कॉस्मेटिक की, उसके लिए स्टैंडर्ड जो है शेड्यूल M2 में तय किया गया है। ठीक है, और शेड्यूल M में जो तय किया गया है, शेड्यूल M में
होम्योपैथिक ड्रग्स के जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसमें तय किया गया है। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन जो है M3 के लिए हो जाएगा, M3, और रिक्वायरमेंट्स ऑफ कॉस्मेटिक, ठीक है, कॉस्मेटिक ये M2 के लिए है, M2 के लिए कॉस्मेटिक है, और M1 जो है वो हमारा होम्योपैथिक के लिए। ठीक है, होम्योपैथिक के लिए स्टैंडर्ड तय किया जाता है शेड्यूल M1 में। शेड्यूल M जो फ्रेंड्स है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही बनाया गया है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो है ए वाला। अब हम 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द सेक्शन इन विच DI इज पब्लिक सर्वेंट, इंडियन पेनल कोड IPC के अंतर्गत जो ड्रग इंस्पेक्टर होता है वो किस सेक्शन के अंतर्गत जो है पब्लिक सर्वेंट के तौर पर नियुक्त किया जाता है, इसका मतलब ये है। तो फ्रेंड्स इसमें जो करेक्ट आंसर होगा, देखिए चार ऑप्शन दिया हुआ है, सेक्शन 2, सेक्शन 21, सेक्शन 31, सेक्शन 21G। इसमें जो करेक्ट आंसर हमारा है वो है सेक्शन 21। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर है। तो पब्लिक सर्वेंट जो DI जो होता है, पब्लिक सर्वेंट ड्रग का इन्वेस्टिगेशन करना, ये सब सारा काम जो है ड्रग इंस्पेक्टर करता है। ठीक है, सेक्शन 21 के अंतर्गत इसको नियुक्त किया जाता है, इंडियन पेनल कोड। शेड्यूल ओ जो होता है इसका क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, तो शेड्यूल ओ जो है देखिए चार ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक, रूल फॉर रनिंग फार्मेसी, स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, जो शेड्यूल ओ के अंतर्गत रखे गए हैं वो डिसइंफेक्टेंट का जो है स्टैंडर्ड, कैसे कैसे इसको बनाना है, क्या स्टैंडर्ड है, क्या टेम्परेचर रेगुलेशन, सारा रूल रेगुलेशन डिसइंफेक्टेंट के लिए तय किया गया है शेड्यूल ओ में। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।